हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी थ्रू मैथ्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक कर्व्स व्हिच इज आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रेगुलरली। तो हम लोग फ्लिप कर्व से बात करते हैं। तो आपको लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे ये फ्लिप कर्व दिख रहा होगा। तो इसमें देख रहे हैं रेट ऑफ, एक साइड में रेट ऑफ इन्फ्लेशन लिखा हुआ है और दूसरे साइड नीचे में रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको देखते हैं। ये फ्लिप कर्व जो है आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी के बीच रिलेशन को दर्शाता है। ये कहता है कि यदि इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपका डिक्रीज करेगा। ये कहना है इसका, है ना। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इधर से इस कर्व में देखें तो यदि इन्फ्लेशन आपका लेफ्ट की ओर इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज कर रहा है। मतलब ये निगेटिव जो है आपको अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच निगेटिव रिलेशन को दिखा रहा है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन दिखा रहा है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच। यदि अदर वर्ड्स में हम कहें तो ये पॉजिटिव रिलेशन एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच दिखा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यदि इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी आपका बढ़ रहा है। ऊपर की ओर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो यहाँ के तो एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच ये पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। हम लोग आगे चलते हैं फ्लिप कर्व्स के बाद। फ्लिप कर्व्स के बाद अपना जो है लॉफर कर्व है। लॉफर कर्व जो है ये बताता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू अर्न जो है एक ऑप्टिमम लेवल पे, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कितने टैक्स रेट पे कर सकता है, कितना उसको टैक्स रखना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकता है। इसी के अर्थात टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच रिलेशन को बताता है। तो इसका कहना, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये कह रहा है कि टैक्स रेवेन्यू ऊपर की ओर इंक्रीज कर रहा है, इधर हम लोग टैक्स रेट इंक्रीज कर रहा है। इसमें हम लोग, ये है ग्राफ अपना, है ना, लॉफर कर्व का। तो इसमें देखिए आपका ज्यो ज्यो टैक्स रेट, इधर लेफ्ट की ओर हम लोग जा रहे हैं, टैक्स रेट बढ़ रहा है तो टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। लेकिन ये वाला सीमा जो है, ये लिमिट, इसके बाद क्या होता है, टैक्स रेट तो इधर लेफ्ट की ओर बढ़ रहा है लेकिन आपका इधर टैक्स रेवेन्यू गिर रहा है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? ऐसा इसलिए होता है कि यदि टैक्स रेट ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो आदमी पे ज़्यादा बर्डन पड़ेगा टैक्स देने का, तो आदमी कोई ना कोई बहाना प्रटेक्स्ट ढूंढने लगेगा कि टैक्स अवॉइडेंस कैसे किया जाए, टैक्स से कैसे बचा जाए। इसके लिए वो क्या करेगा, टैक्स एवेजन शुरू कर देगा, टैक्स चोरी शुरू करेगा। तो इससे क्या होगा, टोटल रेवेन्यू में, गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू में लॉस होगा। इसीलिए कर्व कहता है कि टैक्स रेट जो है एक निश्चित सीमा तक होना चाहिए था, एक ऑप्टिमम लेवल तक होना चाहिए। ये वाला पॉइंट जो है ऑप्टिमम लेवल है जिस पर क्या होगा, टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाएगा। यदि उस एक ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा टैक्स रेट होता है तो क्या होता है, आपका इनकम जो है टैक्स रेवेन्यू गिरने लगता है। अर्थात जो जो टैक्स रेट बढ़ता है तो कुछ देर तक टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करता है, एक सीमा के बाद टैक्स रेट बढ़ता है तो टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज होता है। अर्थात टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच ये रिलेशन को बताता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे अपना कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो आगे है कुज़नेट्स कर्व का। कुज़नेट्स कर्व जो है, कुज़नेट्स कर्व कहता है कि किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमिक या डेवलपिंग कंट्री या इनिशियल फेज में जो कोई इकोनॉमी होता है तो वहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है तो क्या होता है, शुरुआती दौर में जो है वहाँ ज़्यादा डिस्पार्टी आती है, इनइक्वालिटी आती है। जब इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जो जो वो थोड़ा डेवलप करता है तो असमानता इनइक्वालिटी डिक्रीज करते जाता है। इसका कहने का मतलब यही है, मतलब डेवलपिंग कंट्री में जो जो ग्रो होता है कुछ देर के लिए तो इनइक्वालिटी बढ़ता है लेकिन उसके बाद इनइक्वालिटी घटने लगता है, जैसा कि हम लोग इस फिगर से देख सकते हैं। तो हम लोग फिगर में देखते हैं कि ये इनइक्वालिटी ऊपर की ओर बढ़ रहा है और पर कैपिटा इनकम या इधर इन्वेस्टमेंट के हैं या डेवलपमेंट के हैं ये बढ़ रहा है। इसमें देखिए क्या होता है कि शुरुआती दौर में कोई इकोनॉमी जो इनिशियल फेज में है वहाँ तो कुछ ही आदमी के पास पैसा होता है, कुछ ही आदमी के पास कैपिटल होता है या कुछ ही आदमी ज़्यादा अवेयर होता है, तो जिसके कारण होता है क्या, जो इन्वेस्टमेंट वो करते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न करने लगते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, इन आदमियों के पास, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जो वर्कर्स होते हैं वो वर्क करके इनसे मनी अर्न करके अपना वो सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट करता है कोई भी चीज़ में, जिससे कैपिटल जनरेट करके वो अपना एक अलग इनकम कमाता है, जिससे क्या होता है उसके स्टेटस में सुधार होता है और लाइफ स्टैंडर्ड में सुधार होता है, जिससे इसका इंडस्ट्रियलिस्ट के कंपेयर में जो होता है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कम होता है, मतलब इसके जीवन स्तर में सुधार होता है। जैसे कि हम लोग पंजाब हरियाणा का एग्जाम्पल ले ले और बिहार यूपी का ले ले, ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में से कंपेयर करें तो
क्या हुआ, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था पंजाब और हरियाणा में, उससे पहले पंजाब हरियाणा का क्षेत्र ज़्यादा रिच नहीं था। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो यहाँ टेक्नोलॉजी नो हाउ के कारण, इन्वेस्टमेंट के कारण यहाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक रेवेन्यू जनरेट होने लगा, यहाँ का आदमी ज़्यादा रिच होने लगा। तो क्या हुआ, बिहार, वेस्ट बंगाल और यूपी से आदमी यहाँ आकर के मनी अर्न करके फिर रिटर्न होके अपने रीजन में इन्वेस्ट किया, और वो उसने वहाँ अपना जो है इन्वेस्टमेंट से रेवेन्यू जनरेट करके अपने लाइफ स्टैंडर्ड को सुधार के कंपैरेटिवली जो है डिस्पार्टी या इकोनॉमिक डिस्पार्टी या सोशल डिस्पार्टी था, इसको कम किया। तो यही ये कुछ नेक्स्ट कर कहना चाह रहा है। और इसी तरह से ये इन्वायरमेंट में भी बताता है, इन्वायरमेंटल रिलेशन को भी ये इसी तरह से बताता है। कहता है कि शुरुआती दौर में, इनिशियल फेज में, कोई भी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक को ग्रो करने के लिए जो होता है, इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, प्लांट काटना पड़ता है, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है ना, नेचुरल जो है जो भी फीचर्स है उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, पहाड़ काटना पड़ता है, नदी को मोड़ना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, जिससे क्या होता है, इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है तो आदमी पर हार्म कर सकता है, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं। तो ये कह रहा है कि एक निश्चित सीमा तक ही जो होता है आदमी जो है इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाता है, जब वो कंट्री डेवलप कर जाता है तो इन सब चीज़ों के प्रति अवेयर हो जाता है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा निगेटिव। तो वो क्या करता है जो है, कुछ इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट पे भी इन्वेस्ट करने लगता है और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को कम करने का प्रयास करता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, अब जो यूरोपियन कंट्री पहले बहुत सारा पॉल्यूशन करते थे, हालांकि अभी भी करते, लेकिन वो लोग क्या किधर शिफ्ट करने लगे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट करने लगे हैं, आज प्लांटेशन की बात करने लगे हैं, क्योंकि वो पूरा इकोनॉमिक प्रॉफिट ले लिए हैं, इसलिए वो जो है इन सबों की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की बताने बचाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का निगेटिव इम्पैक्ट पता चल गया है, जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखते हैं लॉरेंज कर्व्स, लॉरेंज कर्व्स देखते हैं। तो लॉरेंज कर्व से पहले एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं, गिन्नी इंडेक्स जान लेते हैं। हालांकि लॉरेंज कर्व और गिन्नी इंडेक्स जो है दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं गिन्नी कॉफिशियंट या गिन्नी इंडेक्स। गिनी इंडेक्स क्या होता है, गिनी इंडेक्स एक स्टैटिस्टिकल मेजर्स है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को बताता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को बताता है कि कितना आदमी का क्या इनकम है और कितना आदमी के इनकम में कितना अंतर है, डिफरेंस है, यही बताता है, अर्थात इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ये जो है आपको बताता है। ठीक, तो इसकी कुछ एक वो होती है, रेंज होती है, 0 से 1 तक होती है। यदि आपका 0 पर पॉइंट होगा, रेंज होगा, तो इसका मतलब है इनइक्वलिटी बहुत कम है, परफेक्ट इक्वलिटी है, सभी के पास समान पैसा है, समान वेल्थ है। यदि 1 हो जाएगा, इसका मतलब इनइक्वलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक ही व्यक्ति के पास ऑल वेल्थ आर्स एक्युमुलेटेड है, तो यही कहता है ये। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में, पहले ये जो है डिराइव किया जाता है लॉरेंज कर्व से ही, डिराइव किया जाता है लॉरेंज कर्व से ही, ये डिराइव किया जाता है। तो हम लोग लॉरेंज कर्व को देखते हैं, बैक चलते हैं, ये लॉरेंज कर्व को देख रहे हैं। तो लॉरेंज कर्व जो है अपना बताता है कि, ये भी सेम चीज़ बताता है, लॉरेंस का बताता है कि किसी भी इकोनॉमी में जो टोटल मनी अर्न हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उस रेवेन्यू को जनरेट करने वाला टोटल पीपल कितना है ना, मतलब ये बताता है रिलेशन जो बताता है, परसेंटेज ऑफ इनकम और वेल्थ अर्नेड और अप्रोप्रिएटेड, मतलब जो परसेंटेज ऑफ वेल्थ अर्न किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एंड परसेंटेज ऑफ पीपल अर्न दैट पार्टिकुलर परसेंटेज ऑफ वेल्थ, मतलब जो अर्न किया जाता है उसको कितना पीपल ने मिलकर अर्न किया है, जो इनकम टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है या वेल्थ जनरेट हुआ, उसको कितना पीपल पार्टिसिपेट किया है उसके जनरेशन में, है ना। जैसे कि हम इंडिया का ले, तो इंडिया में तो जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छा है, हम लोग जान रहे हैं जीडीपी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, इंडिया अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन एक हम लोग कॉन्सेप्ट सुने हैं जॉबलेस ग्रोथ का, इंडिया में तो जीडीपी, इंडिया का इकोनॉमिक तो ग्रो कर रहा है, लेकिन इसमें आदमियों का इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं है, कुछ ही आदमी ज़्यादा इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, मैक्सिमम आदमी जो है ऐसा नहीं कर पा रहा, अधिक से अधिक अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के जनरेशन में, है ना। तो यही कर रहा है, यदि ज़्यादा आदमी नहीं दे पा रहा है, तो ज़्यादा आदमी नहीं दे पा रहा तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा आदमी पैसा नहीं ज़्यादा अर्न कर रहा है, जो कम आदमी ज़्यादा दे पा रहा है अपना कंट्रीब्यूशन, ज़्यादा पैसा कमा रहा है, वही ज़्यादा रिच हो रहा है, तो ये क्या बता रहा है, इनइक्वेलिटी को बता रहा है, डिस्पैरिटी को बता रहा है। तो यही बताता है लॉरेंज कर्व, यानी कि किसी भी इकोनॉमी में जो टोटल रेवेन्यू या मनी या वेल्थ अर्न किया जाता है उसको कितना परसेंट पीपल जो है उस
मनी को अर्न करने में पार्टिसिपेट करता है, यही बताता है लॉरेंस कर्व। जैसा कि हम लोग एक ऑक्सफैम का रिपोर्ट है हम लोग जानते हैं, ऑक्सफैम का रिपोर्ट है एक, तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1% पीपल जो है पूरे विश्व का 80% इनकम को अर्न करता है। मात्र 1% पीपल जो है पूरे विश्व में जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 80% कमाता है, जबकि 99% पीपल जो है मात्र आपको कितना कमाता है, पूरे वर्ल्ड का 20% ही कमाता है, अर्थात उसका 20% ही योगदान होता है रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा डिस्पार्टी है, इसी को लॉरेंस कर्व जो है रिप्रेजेंट करता है। इसी के आधार पे गिनी कोएफिशिएंट भी निकाला जाता है। तो इसमें जैसे हम लोग फिगर में देखें तो यही बात लिखी हुई है, इससे वही समझेंगे, इससे हम लोग थोड़ा गिनी कोएफिशिएंट को जानने का प्रयास करेंगे। ये अपना जो है लॉरेंस कर्व है, इधर वाला ये जो है एब्सोल्यूट लाइन ऑफ इक्वालिटी है, मतलब ये लॉरेंस कर्व जो ऊपर की ओर जाएगी, जो जो इस लाइन एब्सोल्यूट लाइन ऑफ इक्वालिटी में टच करेगा, तो मतलब इस बीच दोनों के बीच में जो ये वाला गैप है ये कम होते जाएगा। तो कम होते जाएगा तो जो जो कम होगा तो इसका मतलब है कि डिस्पार्टी भी कम होगा, इनइक्वलिटी भी कम होगा। यही लाइन जो है लॉरेंज कर्व इधर शिफ्ट करे तो इसका मतलब डिस्पार्टी, मतलब गैप बहुत बड़ा हुआ। तो गैप ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्पार्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इनइक्वलिटी ज़्यादा बढ़ गया, मतलब इकोनॉमिक रेवेन्यू जनरेशन में बहुत ही कम पीपल का कंट्रीब्यूशन है कंपैरेटिवली मनी के हिसाब से देखा जाए, इनकम के हिसाब से देखा जाए, तो इसका मतलब डिस्पार्टी बहुत है। तो इसी को गिनी कोएफिशिएंट के द्वारा इसी को दिखाया जाता है ना। इसी के आधार पर गिनी कोएफिशिएंट में कहा जाता है कि यदि आपका रेंज रहता है गिनी कोएफिशिएंट में 0 से 1 तक, तो इसमें आप यदि देख रहे हैं ये लॉरेंस कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट करेगी है ना, ऊपर की ओर शिफ्ट करेगी, ऊपर की ओर शिफ्ट करेगी अर्थात 0 की ओर शिफ्ट कर रही है, मतलब गैप कम हो रहा है तो जो रेंज भी कम होगा अर्थात 0 की ओर जाएगा, मतलब कम से कम गैप होगा, तो इसका मतलब इनइक्वलिटी जो है कम होते जाएगा है ना। यदि 0 पे चला जाएगा तो इसका मतलब है इनइक्वलिटी सबसे कम होगा। यही लॉरेंज कर्व इधर की नीचे की ओर शिफ्ट करेगा तो इसका मतलब 1 की ओर शिफ्ट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इनइक्वलिटी बढ़ेगा, मतलब रेंज जो जो बढ़ेगा तो ये 1 की ओर रेंज शिफ्ट करेगा, मतलब वैल्यू ज़्यादा होती जाएगा तो इसका मतलब इनइक्वलिटी बढ़ेगा। यही गिनी कोएफिशिएंट या गिनी इंडेक्स बताता है ना, जिसको आप फार्मूला से देख सकते हैं, नीचे में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आराम से आप समझ सकते हैं। इस फिगर को आप यदि देख लेंगे है ना कैसे कैसे, तो इसमें यही बताया गया है कि इस फिगर में जो अपना ये वाला एरिया है गिनी कोएफिशिएंट निकालने के लिए, पहले हम देख ही लेते हैं इसमें, तो लिखा हुआ गिनी कोएफिशिएंट निकालने के लिए फिगर 5 से देख रहे हैं कि सेडोइड एरिया जो है बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, गिनी कोएफिशिएंट को निकालने के लिए जो है ये है फार्मूला। इसमें कह रहा है कि सेडोइड एरिया जो हमने ऊपर में एरिया बनाया उसमें जो धुंधला एरिया है, छाया वाला एरिया है, सेडोइड एरिया ए है, उसके बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कर देते हैं तो आपको गिनी कोएफिशिएंट निकल जाता है ना। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं सेडोइड एरिया आपको दिख ही रहा है, ये वाला पार्ट पूरा है ना, ये वाला पार्ट, तो सेडोइड एरिया ठीक है, सेडोइड एरिया को जो है हम लोग क्या करते हैं इसके नीचे वाले एरिया से डिवाइड करते हैं, मतलब ये वाला टोटल एरिया से हम डिवाइड करेंगे और इतना वाला मात्र एरिया को, तो अपना जो है सेडोइड एरिया को इतना टोटल वाला एरिया से डिवाइड करेंगे तो अपना जो है निकल जाएगा गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू। अब हम लोग फ्रेंड्स चलते हैं आगे, इसको याद रखेंगे आप। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे है अपना गिनी कोएफिशिएंट तो हम लोग देख ही लिए हैं, आगे है एंजल कर्व्स। एंजल कर्व्स जो है आपको बताता है कि यदि आदमी का जो है इनकम बढ़ता घटता है तो उसका रिलेशन उसके एक्सपेंडिचर पे क्या पड़ता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है। यदि किसी भी आदमी का हाउसहोल्ड का इनकम घट या बढ़ रहा है तो उसका उसके एक्सपेंडिचर खर्च करने की क्षमता पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही एंजल्स कर्व बताता है। देख ही रहे हैं, हाउ हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर ऑन पार्टिकुलर गुड्स और सर्विस वेरी विथ हाउसहोल्ड इनकम, वही बता रहा है कि किस तरह जो है हाउसहोल्ड का एक्सपेंडिचर जो है पार्टिकुलर गुड्स या सर्विस पर वेरी करता है उसके हाउसहोल्ड के इनकम के अनुसार। तो हम लोग जैसा जानते हैं इसमें दो हम कॉन्सेप्ट दिखाए, एक जो है आपको इन्फेरियर गुड्स की दिखाया, एक सुपेरियर और नॉर्मल गुड्स की हमने दिखाया है। तो एक बात बताइए, यदि पैसा कम रहेगा तो आप सोचेंगे भाई जो है अनब्रांडेड कपड़ा खरीद लो उसको पहन लेंगे, इन्फेरियर गुड पे हम लोग ज़्यादा फोकस रहते हैं, पैसा कम रहता है इनकम कम रहता है अपना। तो यदि हमारा वही इनकम ज़्यादा हो जाता है तो हम ब्रांडेड खरीद के पहनते हैं है ना। तो यही है कि यदि आपका इनकम कम रहेगा तो क्या होगा जो है इन्फेरियर गुड्स की ओर ज़्यादा फोकस करेंगे, इनकम बढ़ जाएगा तो इन्फेरियर गुड्स को हम लोग
कम से कम खरीदेंगे, कम से कम चूज करेंगे, हम लोग किधर शिफ्ट कर जाएंगे, सुपेरियर गुड्स या नॉर्मल गुड्स की ओर, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का जो इनकम बढ़ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल गुड्स या सुपेरियर गुड्स ज़्यादा खरीदेंगे। तो यही बताता है एंजल कर्व्स। अब हम लोग देखते हैं रेहान कर्व्स। तो रेहान कर्व्स के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रेहान कर्व्स क्या बताता है अपना, तो ये है अपना रेहान कर्व्स। तो रेहान कर्व्स के बारे में देखते हैं। रेहान कर्व्स कहता है कि इंडिकेट्स दैट देयर इज अ लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग दैट मैक्सिमाइज इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब कहता है ये गवर्नमेंट को कितना खर्च करना चाहिए, ये बताता है इकोनॉमिक को ऑप्टिमल ग्रोथ कराने के लिए कितना खर्च करना चाहिए। कहता है कि यदि गवर्नमेंट एक सीमा तक से ज़्यादा खर्च करता है तो क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ सही से नहीं करता है। मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि गवर्नमेंट ही सब कुछ में इन्वेस्टमेंट करने लगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नेग्लिजिबल हो जाए तो क्या होगा, क्राउडिंग इफेक्ट हो जाएगा। क्राउडिंग इफेक्ट हो जाएगा तो बहुत सारा जॉब कट हो जाएगा और प्राइवेट में जो हमारा इनोवेशन होता है, क्रिएशन होता है, वो होगा ही नहीं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करेगा, है कि नहीं। तो यही कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यदि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगा तो घटेगा। ये कहता है गवर्नमेंट का स्पेंडिंग जो है एक निश्चित सीमा तक होना चाहिए, रेहान कर्व्स का कहने का मतलब है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है ना। जीडीपी ग्रोथ करता है, जीडीपी ग्रोथ से इन्होंने रिलेशन दिखाया है इकोनॉमिक ग्रोथ का, इधर साइज ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट आउटले, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रहा है। कह रहा है कि गवर्नमेंट एक ऑप्टिमाइज लेवल तक, ऑप्टिमम लेवल तक यदि इन्वेस्ट करता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा से राइज करता है, यदि बहुत ज़्यादा कर देता है तो क्या होता है, आप देख ही रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। तो इसका यही कहना है कि गवर्नमेंट एक ऑप्टिमम लेवल तक जो है इन्वेस्टमेंट करे, है ना। तो इसमें जो है ये जो है प्राइवेटाइजेशन पे थोड़ा फोकस करती है, पीपीपी मोड पे फोकस करता है। इसका कहने का मतलब है कि हम लोग को प्राइवेट पे भी फोकस करना चाहिए डायरेक्ट रूप से हम लोग के। तो इसमें एक जो है वो दिया गया है, रेंज दिया है, कोई सेंटर फॉर फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी जो है कोई संस्था है, वो बोला है कि गवर्नमेंट को अपने टोटल जीडीपी का 15-25% जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, यही एक ऑप्टिमम लेवल होता है ना। तो इसके अनुसार इतना ही करना चाहिए जिससे इकोनॉमिक्स सही से ग्रोथ कर पाएगा। हालांकि ऐसा सारे इकोनॉमिक्स के लिए नहीं होते, जो इकोनॉमिक्स बहुत ट्रांजिशन फेज या बहुत फेज में होते हैं उसमें गवर्नमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। जैसा कि हम लोग इंडिया में ही देखें, इंडिया में बहुत सारा आदमी गरीब है, बहुत सारा आदमी को भोजन नहीं मिलता है, तो गवर्नमेंट को करना पड़ता है, एजुकेशन सेक्टर में करना पड़ता है, इधर फूड्स के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए करना पड़ता है कि नहीं करेगा तो इससे भी इकोनॉमिक्स तो लॉस होगा लॉन्ग टर्म में, है ना। हम लोग आगे देखते हैं, आगे है अगला कॉन्सेप्ट है अपना बेवरेज कर्व्स या यूवी कर्व्स। बेवरेज कर्व्स और यूवी कर्व जो है आपको एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट और वैकेंसी के बीच रिलेशन बताता है। बेवरेज कर्व, इसका कहना है कि वैकेंसी यदि ज़्यादा रहे, पढ़ लेते हैं पहले, ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब वैकेंसी के बीच रिलेशन बताता है, रेट के बीच बताता है, है ना। ये कहता है कि हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नॉर्मली अकर्स विथ लोअर रेट ऑफ वैकेंसी। मतलब कहता है कि वैकेंसी बहुत कम रहेगी, पद कम खाली रहेगा किसी भी संस्था में, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। यदि वैकेंसियाँ ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सही बात है, यही बताता है बेवरेज कर्व्स या यूवी कर्व। इसका कहना यही है और तो कुछ है नहीं कि भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करोगे तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम रहेगा। जैसा कि हमारे इंडिया में भी हो रहा है कि जॉब कट्स हो रहा है, तो जिस कारण अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ रहा है। यदि यही जॉब कट्स ना करके जॉब में एडिशन किया जाए तो क्या होगा, अपना अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करेगा। तो यही ये कर्व बताता है, बेवरेज कर्व या यूवी कर्व बताता है। जैसे कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज कर रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, दिख रहा है। वैकेंसी इंक्रीज कर रहा है ऊपर की ओर, वैकेंसी इंक्रीज कर रहा है तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए इसको फिर से करते हैं, वैकेंसी आपका, देखिए वैकेंसी इधर की लेफ्ट की ओर इंक्रीज कर रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है कि नहीं। वही वैकेंसी डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। थैंक यू। तो आज फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड आल्सो कमेंट्स एंड गिव फीडबैक सो दैट आई विल मेक मोर गुड्स वीडियो।